आज समय है कि सभी लोग बुराइयों, कुरीतियों, धर्म के नाम पर किसी को अपमानित करने, छलने, धोखा देने, गाली देने से संबंधित टिप्पणियों को हटाने का कष्ट करें। हमने एक छोटी सी बात उठाई थी, रामचरितमानस की चौपाइयों के कुछ अंश को, जिसमें जाति विशेष को नीच अधम कहा गया, महिलाओं और शूद्रों को प्रताड़ित और अपमानित करने के लिए कहा गया, महिलाओं को नीच से भी नीच बताया गया, उस अंश को निकालने के लिए, तो उस पर विचार करने के बजाय देश के सभी संत महात्मा धर्माचार्य वर्ग विशेष के लोग मेरा सिर काटने, जीभ काटने, हाथ काटने, नाक काटने, कान काटने पर सुपारी देना शुरू कर दिया। दिमाग के दिवालियापन हम उसको कहते हैं। जब ये चार बार बहुजन समाज पार्टी की सत्ता में मंत्री थे, तब इनको ना तो महिलाओं का अपमान समझ में आया, ना पिछड़े दलितों का अपमान समझ में आया। जब बहुजन समाज पार्टी की सत्ता जाते ही इन्होंने देखा, तो फिर रामम शरणम गच्छामि, राम की शरण में चले गए। तब उसी रामचरितमानस माला फूल चढ़ाए, राम राम जपना, पिछड़ों का माल लूटना, यही न किए? 5 साल माला चढ़ा के बेटी को सांसद बना लिया, खुद मंत्री बन गए। तो 5 साल लगातार इनको कोई अपमान नज़र नहीं आया। फिर इन्होंने देखा कि हो सकता है सत्ता करवट ले, फिर ये सत्ता के लोलुप्त लोग फिर बदल दिया सत्ता। सत्ता नहीं बनी, 10 महीना कोई नहीं जाना, तो फिर इन्होंने सोचा कि कुछ ऐसा बयान दें। लेकिन मुझे तो आश्चर्य है इनके बयान पर कि पढ़े लिखे लोग हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने संविधान के पूरे संविधान में कहीं एक शब्द भी शूद्र नहीं लिखा है। 4 जाति बनाई है, सामान्य वर्ग, पिछड़ा, अति दलित, अनुसूचित जनजाति, 4 वर्ण है। और ये संविधान की शपथ लिए हैं, अभी अभी MLC बने जब, तो संविधान की शपथ लिए कि संविधान के दायरे में रह के हम काम करेंगे। तो संविधान तो इस बात की इजाज़त नहीं देता कि किसी धर्म मजहब के खिलाफ आप बोले या कोई उसे अलग हट करके कोई टिप्पणी करे। इसका मतलब कि आप संविधान को नहीं मानते हो और संविधान के बदौलत आज MLC बने हो, शपथ लिए हो, तो ये सत्ता के लोलुप्त लोग हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य जी को मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी कि अगर उनको ये बहुत बुरा लगा था कि अखिलेश यादव जी की कुर्सी से उतरने के बाद उस कुर्सी को धोया गया गंगा जल से और उनको गलत लगता है, तो उनका ये विरोध तब आना चाहिए था जब ये हुआ था, और उस वक्त ये विरोध नहीं आया क्योंकि उस वक्त वो भारतीय जनता पार्टी के साथ मंत्री पद पर थे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि बिगाड़ के डर से आप ईमान की बात ना करें। अगर आपको गलत लगा था तो उसी वक्त आपको विरोध जताते हुए वहां से हट जाना चाहिए।